हम लोग जो है जा रहे हैं वेकेशन बनाने के लिए। सो फर्स्ट जो हम लोग की प्लेस है जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है नागपुर। वहाँ पे हमारा एक दिन का स्टे है, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे आगे जो आप लोग को व्लॉग में पता चलेगा। तो A few moments later. हाँ सही बात है, मेरे लिए खास तौर पे बनाई है स्वीटी ने मछली। हाँ उधर। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान बिछ चुका है यमी यमी डिशेस के साथ। The next day. तो हमारी ट्रिप चालू हुई थी नागपुर से, और जो हमारी ट्रिप की दूसरी प्लेस है वो है पूना। सो हम लोग जा रहे हैं नागपुर टू पूना। तो ये जो है वो ये हॉल है और ये बालकनी है। उसके बाद यहाँ पे है किचन और ये वॉशिंग एरिया है। ऐसा यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, बाकी ये किचन है। उसके बाद एक ये रूम है, ये वॉशिंग एरिया है, वॉशरूम, एक ये वॉशरूम है, मतलब तीन वॉशरूम है यहाँ। बाकी यहाँ पे मम्मी सो रही हैं, ये भी वॉशरूम है वाला। फिर ये एक रूम है और ये यही सो नहीं जा चुकी बिल्ली, जो भी फिलहाल सो रही है। और एक यहाँ पे एक सो मैं अभी आपको बालकोनी का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये वॉशरूम वाला बालकोनी और हम लोग के कपड़े भी सूख रहे हैं। सो ये नीचे पार्किंग एरिया है। बाकी ये देखिए, नहाने के लिए मेरे बाल एकदम तेल ऑयली तेल डाल ली हूँ। और आज शायद रात में हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे और सोनी ले जाएगा घुमाने के लिए। कल से खाली थोड़ा सा लुढ़क ही रही हूँ। कल आई तो नहाई, लेकिन बॉडी में सूजन है। इतने लंबा सफ़र बैंड बज गई, इतना लंबा मैं सफ़र करी। मैं बिहार गई, यूपी गई, दिल्ली गई, भोपाल गई, हर जगह बाइक आ गई, लेकिन मुझे पुणे आना बहुत अखड़ गया। बैठे बैठे मेरा पैर दम फूल गया, हाथ सूज गया। कल रात में सोनी ने खाना बना के खिलाया था, बहुत टेस्टी खाना था। और अभी हम लोग ने डोसा बनाया, सबको डोसा से खिलाया। अब गए हैं लोग दोनों भाई सब्जी लाने के लिए। अब कुछ बनाएंगे, फिर शाम में घूमने जाएंगे। शाम का खाना हम लोग बाहर में ही खाएंगे। और सर में हमने तेल डाल लिए हैं, अब जा रहे नहाएंगे, शैम्पू करेंगे, फिर उसके बाद फटाफट पहले जाके खाना बनाती हूँ। ये देखिए, पहले मटर पुलाव बनाई है। ये मटर पुलाव है, ये चटनी है। क्योंकि मैं नहा कर मुझे बहुत तेज से भूख लगा। अब खाना खा के फिर हम लोग घूमने निकले। खा के बताइए, जा रहे खाना खाने। पंखा चलाओ भाई, मौसम अच्छा है ना, तो पंखा चलाओ। चाय खाने के लिए चाय। यहाँ पे जो है सोनी चाचू पापा और मम्मी बन मस्का खा रहे हैं। अप्पी और मैंने और मेरे भाईजान ने जो है पेटीज खाई है। अभी हम लोग आए हैं एमनोरा सोसाइटी देखने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी सोसाइटी भी है। आईटी जगह है यहाँ पे, ऐसी ऐसी बिल्डिंग देखेंगे पूरी, वो भी एकदम लाइन से। अरे एसबीए। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मम्मी लोगों को लेने, कि हम लोग सब लोग जाएंगे साथ में घूमने के लिए। फिर चलिए, वाओ क्या खूबसूरत लग रहा है। ऊपर दबन यहाँ पे वो है रेस्टोरेंट क्लब है पाशा करके। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पूरी सोसाइटी घूमने के बाद हम लोग जो है सब लोग आए हैं मॉल थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि ये वाले यहाँ के मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। यहाँ पे जो है मम्मी शॉपिंग कर चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उनको टाइम लग रहा था कि मैं कौन से वाले कपड़े लूँ, कि ये वाला कलर अच्छा लगेगा मेरे ऊपर कि नहीं। और अब जो हम लोगों ने खरीद लिया, हम घर जा रहे हैं। The next day. जैसे लग रहा धुआं, देखो यहाँ देखो बारिश हो रही है। मम्मी कैसा लग रहा है मौसम? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा
बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है। और अभी हम लोग, ये कौन सा एरिया है, पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है, खास करके चाचू घुमा रहे हैं हम लोग। जगह है किवानी घाट हम लोग आए हैं। ये हमारी मोमानी का है। हमारी मोमानी का नाम है किवानी घाट, कटनी वाली मोमानी। हमें सुने गंगा से वाली गुरु माँ है ना। बताओ सोनी, कहाँ में पहुँचे हैं हम लोग? पहुँचे हैं चार पाँच घंटे में। और ये देखिए यहाँ पे नारियल का पेड़ और समुंदर है। और ये हमारे पूरे मियाँ भाई हैं यहाँ पे हमके घर, रिश्तेदारी बनाने आए हैं। और हमारे घर पे एक है कासिम मियाँ, उनका रिश्ता यहीं करने आया है। और हुक्का पानी पीने चले। हमारे बुरुंड के राजा हैं कासिम, के पास जा सकते थे लेकिन और समुंदर अंदर जाने नहीं मिलेगा। बड़ा पाव, अरे वो पहले के 500 रुपए दे दो जो लिए हो। हाँ तो पहले बड़ा पाव तो लाओ। बड़ा पाव, ये छोटी सी जगह है पर यहाँ बड़ा पाव बहुत टेस्टी मिलता है, इसलिए सोनी ने गाड़ी रुकवाया है यहाँ पे। ये जो बीच है वो मुरुन के आगे है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और हम लोग को जो है पानी के पास जाने के लिए मना किया था क्योंकि पानी का लेवल जो है वो आगे था बहुत ज़्यादा, इसलिए। A few moments later. ये हमारी थर्ड प्लेस है अलीबाग, तो यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं। तो हम लोग को आते आते शाम हो गई, तो सिर्फ जो है मम्मी ने बोला कि यहाँ का बीच देख लेते हैं, तो हम लोग आए हैं बीच में और मम्मी का फ़ोटोशूट भी चल रहा है। यहाँ पे हम अलीबाग से निकल गए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ने एक जगह में रुका है, फूड मॉल करके एक जगह है जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। और फ्रेंड्स हम लोग ने सोचा था कि अलीबाग में हम स्टे करेंगे, फिर हम लोग का मन किया कि नहीं स्टे नहीं करते हैं, सीधे हम निकल जाते हैं अपनी फोर्थ डेस्टिनेशन में। जो हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन है उसका नाम है मुंबई। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है मुंबई आ गए और हम लोग जो है होटल में स्टे कर रहे हैं और फिर सुबह 11 बजे चेकआउट करके फिर हम लोग घूमेंगे पूरा मुंबई। The next day. लेकिन अब घूमने आए हैं तो घूम ले, अब देखो कहाँ लेके लोग जाते हैं। अब इन लोग दूसरे रूम में सो रहे हैं, लोगों जा रहे हैं उठाएंगे, उसके बाद पहले तो मैं चाय पी लूँ, चाय मंगा के। और ये जो है हमारे होटल का सुबह का व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, धीमी धीमी बारिश भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है मौसम। आपका फोन आया था तो कुछ कैनोपी की लाइटें और ये सिंगरौली वाला जो है ना काम होटल है उसके साथ में। फ्रेंड्स अब जो है हम लोग तैयार हो गए एकदम अच्छे से और उसके बाद जो हम लोग सामान निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग का चेकआउट होने का टाइम होने वाला है, इसलिए बाकी यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो गई हैं। आज कहाँ कहाँ जाएंगी? आज देखो पापा कहाँ घुमाते हैं, पापा के ऊपर है
मैं तो पहली बार आई हूँ मुंबई। जब मैं बचपन से सपना था कि मुंबई जाना है मुझे, तो आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। यहाँ पे हम आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया और उसके सामने जो है ताज होटल है। और मेरा बो भी पूरा टेढ़ा भी हो गया है, मतलब मैंने सीधे से लगाया था वो टेढ़ा हो गया है थोड़ा। मम्मी की जो है ख्वाहिश थी कि उनको शाहरुख खान और सलमान खान का घर देखना, तो वो यहीं पे आई हैं देखने के लिए। और ये है सलमान खान का घर। चलो सोनी। बहुत अच्छे से बोलता खाली। अब जो है आए हैं जुहू बीच। उसके बाद हम जगह बहुत सारी जगह घूम के बांद्रा और स्ट्रीट मार्केट वगैरह घूम के जो है वो निकल गए थे रात में वापस पुणे के लिए। और जाते समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब जो है यहाँ पे हम लोग एक दिन पुणे में रुके थे, उसके बाद हम जो है नागपुर आ गए। यहाँ पे जो है हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। तो पुणे से निकलने के बाद हम लोग जो है एक दिन रुके थे वहाँ पे पुणे में, फिर उसके बाद हम लोग वापस नागपुर आ गए थे। उसके बाद सीधे हम लोग जो है घर आ गए अपने यहाँ। तो उसके बाद जो है हम लोग की यही थी जर्नी, और अलग अलग फ़ोन से बनाए और अलग अलग क्वालिटी से, तो इसलिए मिक्स एंड मैच और बहुत ज़्यादा मेसअप हो गया है। तो मतलब आई होप दैट यू इन्जॉय दिस व्लॉग, मतलब आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोग ने अपना वेकेशन, और मम्मी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए हैं। और मम्मी को मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनका क्या बोलते हैं उनका सपना था कि उनको मुंबई जाना है, और जो है उनके ड्रीम भी अब पूरा हो गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और बस, और आई होप दैट आप लोग को अच्छा लगा होगा इस ब्लॉग ये हमारा। तो मैं आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन के लिए बाय। और इस ब्लॉग को आप लोग लाइक करिए।